हेलो एवरीवन, आईआईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज उसके अंदर इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई है। अगर गिरावट आ चुकी है और आप फंस चुके हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए, तो चार्ट पे भी आपको बताने वाला हूँ और आपको क्या सावधानी रखनी है वो भी बताने वाला हूँ, और क्यों गिरा है उसके पीछे की असली वजह है क्या है वो भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, 3 to 5 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा और सब जानकारी मिल जाएगी, तो स्किप नहीं करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर एवरीडे मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, साथ में आपकी जो इंट्राडे की क्यूरी होती है वो भी रिजोल्व की जाती है और आपकी न्यूज़ आती है इंट्राडे के अंदर वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कीजिएगा। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये क्या करता है, आपको पता होगा लेकिन समरी ये देखो, जितनी भी पावर की कंपनियां हैं जो पावर जनरेट करती हैं वो डायरेक्टली भी बेचती हैं कंपनियों को, और वो क्या करती हैं, एक्स्ट्रा या एडिशनल पावर होती है उसको जो यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज है, जैसे अपना स्टॉक मार्केट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे स्टॉक्स की ट्रेडिंग होती है, यहाँ पे पावर की ट्रेडिंग होती है, पावर ट्रेड की जाती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर गिरावट क्यों हुई है, तो सरकार क्या कर रही थी, अभी तक ये चलता हुआ रहा था कि यहाँ पे ये तो एक तरीके से PSU कंपनी है या PSU एक्सचेंज है जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा रेगुलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे एक्सचेंज हैं या बहुत सारी ऐसी जगह हैं, प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे पावर ट्रेड की जाती थी, जिस कंपनी के पास शॉर्टेज होती थी वो यहाँ पे एक्सचेंज के पास में आकर के भी पावर यहाँ पे बाई कर सकती थी, और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी पावर को बाई कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग सेलिंग होती थी पावर की। अब यहाँ पे जो पावर की बाइंग सेलिंग होती थी उसकी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रेट है, प्राइस डिस्कवरी है, वो एक्सचेंज खुद है वो यहाँ पे डिसाइड करता था कि कितने रुपए यूनिट में पावर को यहाँ पे बाइंग सेल किया जाना चाहिए। अब सरकार क्या कर रही थी, पहले जितने भी एक्सचेंज थे वो डिकवल यानी कि अलग अलग वो एक्सचेंज खुद से डिसाइड करते थे, सरकार अब ये करने जा रही है कि अब सभी एक्सचेंज को यहाँ पे एक कपल करना चाहती है कि एक ही पावर की जो प्राइस है वो एक ही होनी चाहिए हर एक एक्सचेंज पे, अलग अलग एक्सचेंज हैं उनके ऊपर अलग अलग पावर की प्राइजेस नहीं होनी चाहिए, हर एक एक्सचेंज पे चाहे कितने ही भी अलग अलग एक्सचेंज हो उनके ऊपर एक ही पावर की प्राइस होनी चाहिए। तो प्राइस डिस्कवरी है वो अब इन एक्सचेंज से यहाँ पे हटा करके सरकार यहाँ पे खुद से लेना चाह रही है, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो गई इनके लिए। क्यों नेगेटिव न्यूज़ हो गई IEX के लिए, तो IEX के लिए नेगेटिव न्यूज़ ये हो गई क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अब सभी एक्सचेंज के लिए एक ही कीमत तय होने वाली है, और एक ही कीमत तय होने वाली है, तो अब जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये IEX है इसको क्या मान के चल रहे थे बहुत सारे जितने भी कंपनियाँ हैं या बहुत सारे जो पावर को ट्रेड करते थे वो लोग इसके ऊपर ट्रेड करते थे आकर के, या इसके ऊपर ही बाइंग करते थे, क्योंकि इसके इसकी रिलायबिलिटी यहाँ से मानी जाती थी कि ये गवर्नमेंट का है, रेगुलेटेड है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही प्राइस मिलेगा, ठीक है। अब सही प्राइस मिलेगा इस वजह से इसके ऊपर 90% पावर है, 90% पावर जो है यहाँ पे वॉल्यूम है या ट्रेड होता था वो 90% किसके ऊपर होता था, IEX के ऊपर होता था, और अब जब मान लो कि सरकार ने एक ही पावर का प्राइस कर दिया तो इन एक्सचेंज के ऊपर सभी एक्सचेंज पे क्या होगा, एक ही प्राइस मिलने वाला है, तो जो लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा आते थे वो अब इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, वो हर एक एक्सचेंज पे जा सकते हैं क्योंकि हर एक एक्सचेंज पे सेम प्राइस मिलने वाला है, तो जब सेम प्राइस मिलेगा तो इसके ऊपर वॉल्यूम जो ट्रेड होता था वो डाउन होगा, और डाउन कितना होगा, अभी 90% वॉल्यूम जो आता था वो यहाँ पे IEX पे आता था और वो वॉल्यूम गिर सकता है। अब डेटा मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस हो जाता है कि सब लोग हैं वो यहाँ पे इसके छोड़ करके भग जाते हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के भगते हैं और दूसरे एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं पावर को, तो वहाँ पे इनका DAM या RTM है, वॉल्यूम है, DAM बाई RTM वॉल्यूम है, वो 100% अभी है, ठीक है, तो वो 100% से गिर करके कितना रह जाएगा, 33% वॉल्यूम रह जाएगा इनका, तो इतना परसेंट 66% वॉल्यूम अगर डाउन होता है तो इनका रेवेन्यू भी गिर जाएगा, इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी डाउन हो जाएगी, तो ये सबसे खराब न्यूज़ है वो IEX के लिए आई है। अब यहाँ पे आपको बता दिया मैंने कि क्यों इसके अंदर गिरावट आई है और क्या इसके अंदर न्यूज़ थी वो भी मैंने बताया। अब ये क्या रह जाएंगे, जब सबकी प्राइस है वो एक ही एक मतलब प्राइस हो जाएगी, तो इनके ऊपर सिर्फ क्या होने वाला है, ये सिर्फ बोलियां लगाने वाले एक्सचेंज हो जाएंगे, सिर्फ बोलियां इनके ऊपर यानी कि बिडिंग करने के प्लेटफॉर्म हो गए, इनके अंदर और कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा, ठीक है। अगर इनके अंदर खुद के ऊपर या इनको खुद को अथॉरिटी होती, जैसे कि अब से पहले इनके पास खुद को अथॉरिटी थी कि ये प्राइस है उसको डिस्कवर है वो करें, तो ये प्राइस को डिस्कवर करते थे, मैनिपुलेट भी कर सकते थे, और इनको उसके अंदर कमीशन भी हो सकता था या फिर इनको प्रॉफिट भी हो सकता था। अब सभी एक्सचेंज पे
एक ही पावर होगी तो सब लोग हैं वो एक ही एक्सचेंज पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो अलग अलग एक्सचेंज पे जाएंगे और इनका वॉल्यूम घट जाएगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगी। तो ये नेगेटिव न्यूज है IEX के लिए। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, इसके ऊपर ऑलरेडी 90% वॉल्यूम है, घटेगा वॉल्यूम ये मान के चल रहे हैं कि घटेगा, लेकिन उतना ज़्यादा जब ये वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाया गया ना उतना भी नहीं घटेगा, क्योंकि लोग हैं ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे जमे हुए हैं, और जब सभी एक्सचेंज पे प्राइस सेम होगी तो यहाँ पे भी सेम ही मिलने वाली है, ठीक है, तो वो दूसरे एक्सचेंज पे जाएंगे तो उतनी ही प्राइस मिलेगी जो यहाँ पे मिलेगी, तो इसको छोड़ करके जाने का कोई सेंस नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं होगा, हालांकि घटेगा वॉल्यूम लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं घटेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कब होने वाला है, तो अभी शॉर्ट टर्म के अंदर नहीं होगा, एनालिस्ट मान के चल रहे हैं कि अभी 3 साल लगने वाले हैं इस चीज़ को होने में, गवर्नमेंट सभी एक्सचेंज की कपल करने में 3 साल लगेंगे, और 3 साल के अंदर बहुत टाइम है, तो 3 साल के अंदर ये काम होने वाला है। ड्राफ्ट कंसल्टेशन पेपर पर स्टेक होल्डर्स जो IEX के हैं और भी एक्सचेंज हैं उनके हैं, उनसे बातचीत की जाएगी और सब सहमत होंगे तब ये चीज़ किया जाएगा, तो अभी नहीं होने वाला है। लेकिन मार्केट है वो न्यूज़ आई है तो इसका इम्पैक्ट पड़ा है, आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे 8% गिरा था, यहाँ पे 10-12% गिर गया है, तो ऑलरेडी ये 10-20% के करीबन स्टॉक गिर चुका है, ठीक है। और अब आपको इसका वीकली चार्ट देखना होगा, वीकली चार्ट के अंदर देखोगे तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे क्या आई थी, एक रैली आई थी, उसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर एक करेक्शन पीरियड हुआ है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये जो लेवल है ये वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, आपको बता दिया मैंने अभी, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे जब भी वीकली टाइम फ्रेम का करेक्शन पीरियड कंप्लीट होता है तो वो क्या होती है, वहां से ट्रेंड रिवर्स होने के संकेत होते हैं, और जब जब ट्रेंड रिवर्स होता है तो साइकोलॉजिकल तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जब मार्केट के अंदर कोई भी शेयर एकदम डाउन रहता है या उसका ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होता है तो उसके अंदर बहुत घटिया न्यूज़ें, जितनी भी ख़राब न्यूज़ें होती हैं वो चलाई जाती हैं ताकि उसको कोई ले ना सके, और जो बड़े स्टैक बड़े लोग हैं वो अच्छी खासी स्टैक वहाँ से उठा सके। तो हो सकता है कि ये और गिर जाए, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं गिर सकता, गिरने को यहाँ पे 110 तक ही आ सकता है, अभी भी इसके अंदर 10% और गिरने के चांसेस हैं और उससे भी ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन अगर लेना है किसी को तो ये वीकली टाइम फ्रेम की करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे हल्का था आप जो पोजीशन है वो बना सकते हो ऊपर की साइड के अंदर। ये एक बार में ही 20% गिर चुका है, मार्केट वर्स्ट केस सिनेरियो मान चुका होता है, अगर इसको गिरना होता तो इसके अंदर 20% का सर्किट क्यों नहीं लगा, 10% का सर्किट तो लगा था, 20% का क्यों नहीं लगा, तो वो भी लगना चाहिए था उसके अंदर, अगर ये इतना ही वर्स्ट केस है तो, जहां पे 33% वॉल्यूम आने की बात हो रही तो यहां पे मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको निवेश करना है तो इसके अंदर आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। हाँ, उतना जरूरी नहीं है कि अब ये उतना जैसे यहां से रैली दी थी उतना दे, लेकिन इसके अंदर रिटर्न मिल सकता है, और ये रिटर्न कोई गारंटीड नहीं है, आपको खुद से रिसर्च करनी है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, ये मेरी एडवाइस है, यहां पे मेरी जो रिसर्च है मैंने आपको बता दिया कि 110 के करीबन तक भी आ सकता है, तो स्टॉप लॉस आपको 110 के करीबन तक रखना है, और अगर उससे नीचे आता है तो आपको एग्जिट कर देना है, और यहां से अगर ऊपर चलता है तो इसके अंदर ऊपर की चाल हो सकती है। न्यूज़ नेगेटिव है, नेगेटिव न्यूज़ क्यों फैलाई जाती है, इसकी करेक्शन है कंप्लीट या नहीं है वो भी आपको बता दिया, और कहां पे आपको इसके अंदर पोजीशन बनानी है या नहीं बनानी, डरना है या नहीं डरना, अब आपका आपको खुद को डिसाइड करना है। रिसर्च आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डीमैट अकाउंट नहीं तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के अकाउंट ओपन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।